अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। कैसे हो क्लास की? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, कल हमने बाब अव्वल अल कुरान मुकम्मल किया था, यानी हमारा वो चैप्टर पेज नंबर 5 तक मुकम्मल हो गया था। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये तमाम दुआएं सूरत याद भी की होगी और अपने पेरेंट्स को सुनाई भी होगी। तो बच्चे, चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज का हमारा बाब है बाब नंबर 2, इमानियात और इबादात। तो लेसन शुरू करने से पहले, हम अपना सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। कौन सी है दुआ जो हम पढ़ते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। चलो बच्चों, अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 6। हम शुरू करते हैं ईमान। ईमान क्या है? आज हम ईमान का मानी पढ़ेंगे, उसका मफहूम पढ़ेंगे कि वो क्या है। तो बच्चों, ईमान के मानी है किसी बात को सच्चे दिल से मानना, जुबान से उस पर इकरार करना, उस पर पुख्ता यकीन रखना। प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई और नबी या रसूल नहीं आएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को चंद बातों पर ईमान लाने का हुक्म फरमाया है। इन बातों को ईमान मुफस्सल में बयान किया गया है। बेटा, जिन बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने का हुक्म कहा है, वो कौन सी बातें हैं? वो ये 6 बातें हैं। वो ये 6 बातें किस में हमें जमा कर दी गई हैं? ईमान मुफस्सल के जरिए। ईमान मुफस्सल में वो तमाम बातें जमा कर दी गई हैं। तो चलो ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं। ईमान मुफस्सल। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअ्थि बअ्दल मौत। तर्जमा इसका है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर, और इस बात पर कि अच्छाई और बुराई अल्लाह ही की तरफ से होती है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने ये रीडिंग करनी है जैसे मैंने रीडिंग करवाई है, और ईमान मुफस्सल आप लोगों ने जबानी याद करनी है। उम्मीद है कि आप लोग जरूर ये याद करोगे और अपने पेरेंट्स को सुनाओगे। चलो बच्चे, आज का लेसन हम का इख्तिताम कर, आज के लेसन का हम इख्तिताम करते हैं इसी ईमान मुफस्सल पर। कल मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज।